সিসি এসবিআই নাকটো বাছি আছেনে বাৰু? হয়, এসবিআই মানে আপোনালোকে ভবা সেই এসবিআই বেংকটোৰ কথাই কৈছো, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া কাহিনীটো শুনক। এই যে আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে প্ৰকাণ্ড গাঁতটো, সেইটো গাঁত নহয়, একদম তাজা তাজা খান্দি উলিওৱা এটা প্ৰকাণ্ড সুৰংগ, যিটো সুৰংগৰ উচ্চতা 4 ফুট, দৈৰ্ঘ্য 8 মিটাৰ। আৰু এই সুৰংগটোৱে আপুনি গৈ থাকিলে ক'ত ওলাবগৈ জানেনে? আপুনি উপস্থিত হ'বগৈ এছবিআই বেংকৰ সোণৰ ভঁৰালটোত, যিটো ভঁৰালত জমা থাকে গ্ৰাহকৰ পৰা বন্ধকত ৰখা সোণ। আৰু এই ভঁৰালটোৰ পৰাই এবাৰ চোৰে সিন্ধি খান্দি লৈ গ'ল 1 কেজি 800 গ্ৰাম সোণ, যিখিনি সোণৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1,80,000 টকা। আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নাক কটা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰ। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত চুৰি হোৱা এই চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে ষ্টেট বেংকৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ লগতে এই নেক্সট লেভেল চোৰক লৈও হৈছে বিশেষ চৰ্চা। কি ভৌতি ব্ৰাঞ্চ মে প্ৰাতা থানে পে ইনহনে সূচনা দিয়ে কি ইনকে ষ্ট্ৰং ৰুম মে যাহা পৰ কেশ চেষ্ট হয় আৰু উসকে বগল মে গোল্ড চেষ্ট হয়, তো বেংক কে পিছৱাড়ে সে ষ্ট্ৰং ৰুম কে বাহাৰ সে হি एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें गाड़ी झंकार है, उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रॉन्ग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाजा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। घटनास्थल का सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है, मौके पे फॉरेंसिक टीम भी है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है, कई क्लूज यहाँ पर लिए गए हैं, कई व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका गया है। शीघ्र ही डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना के इस घटना का खुलासा। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, अहम लाइव 24। की भौती ब्रांच में प्रातः थाने पे इन्होंने सूचना दी कि इनके स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पर कैश चेस्ट है और उसके बगल में गोल्ड चेस्ट है, तो बैंक के पिछवाड़े से स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से ही एक इनकी अपनी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उसमें गाड़ी झंकार है, उसके अंदर से सुरंग लगा के इनके स्ट्रॉन्ग रूम में चोरों ने एंट्री करके गोल्ड का जो चेस्ट था उसका जो दरवाजा है उसको किसी रॉड से खोला है तथा संपूर्ण गोल्ड उसमें से चोरी कर लिया गया है। घटनास्थल का सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है, मौके पे फॉरेंसिक टीम भी है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है, कई क्लूज यहाँ पर लिए गए हैं, कई व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका गया है। शीघ्र ही डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना के इस घटना का खुलासा।